हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना नेगी राना ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ इस टाइम अपनी शॉप में, और संगीता भी आ रखी है साथ में। आजकल हम दोनों आ रहे हैं। इतनी स्वेटर चुराई? ये मैंने स्वेटर चुराई नहीं, ये हम दोनों ने आते ही पहले अपने लिए एक एक स्वेटर ले ली। मैंने ये वाली ली, सबसे पहले शॉपिंग अपनी करी, और इसकी ये पड़ी है, दिखाना है। मेरी तो खूब तारीफ कर रही तू, चुराई। और इसकी देखो, ये इसने यहाँ पे छुपा रखी, ये इसने ली, सेम टू सेम ली हम दोनों ने। और अभी देखो, हमें जो हमारा कल सामान आया था पूरा यहीं बिखरा हुआ है। फूल कहाँ डाल दिए? और फूल भी हम कल रात को घर नहीं लेके गए थे, क्योंकि हम रात पहुँचे थे 8:30 बजे घर पे। ये क्या दी? अभी बताती हूँ मैं, ये सब बच्चों के स्कूल। और देखो, ये सारा सामान बिखरा हुआ है, यहाँ पे भी हम सब सेट करेंगे। और ये भी अभी ऐसी पैक है, और यहाँ पे भी ऐसी पैकिंग है, पूरी सारा ऐसी पैक है। और फूल रख दिए हैं संगीता ने बाहर, ने यहाँ पे रख दिए सारे के सारे। अभी ये भी घर नहीं गए, और ये आ रखे हैं क्यूब, क्योंकि इनके बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। ये आजकल डी हमारे बगल में है DSB स्कूल, तो वहाँ पर इनकी एक्टिविटी चल रही है। तो सारे क्यूब और इस तरह की पेंसिल, ये देखो, ये ग्रेटर पेन है ना संगीता? ग्लिटर वाले पेन नहीं है, नॉर्मल पेन है, मतलब ग्लिटर इनके उसमें है ना। तो और इस तरह के देखो, ये सारे पेन देखो, खूब प्यारे प्यारे से पेन आ रखे हैं। इस तरह के बच्चे मंगा रहे थे शॉप में। और ये आ रखे हैं, ये सारा सामान जो हमें हमारा वहाँ पर पहुँच गया था, तो हम लेने गए थे। देखो इस तरह का, ये सारा, ये स्लाइम है, ये हैं स्लाइम सारे। ये सब आजकल एक्टिविटी हो रही है बच्चों। देखो कितने प्यारे, ये है पेंसिल, ये है पेंसिल। और जब संगीता हमारे टाइम पे नहीं हुआ करते थे ना ऐसे ऐसे, तो ऐसे देखो संगीता कैसे रो रही है। ये कह रही है जब हमारा टाइम था ना स्कूल जाने का, तब क्या होता था संगीता? हमारे टाइम पे तो कलम भी चलती थी। टाइम पे थी कलम? हाँ, कलम चलती थी हमारे टाइम पे, कलम चलती थी। और हाँ, हमारे टाइम पे कलम चलती थी। तेरे टाइम, तुम्हारे टाइम पे था? और फिर तुम्हारे तो पहाड़ में अलग रहा होगा ना, वैसे पेन ना, स्याही वाले, स्याही वाले। और उनकी एक वो भी आती थी, इतनी सी दवात। हाँ यार, है ना, पेपरों में तुम्हें स्याही भी मिलती थी, स्याही। हाँ, और मुझे ना तुम्हें वो गोली मिलती थी, वो स्कूल वाले मिलती थी गोली, पर हमसे पहले वालों को गोली मिलती थी। और हमारे टाइम पे वो आ गई थी, बोतल से देते थे, बड़ी बोतल रहती तो स्याही देते थे। और कलम से लिखते थे? कलम से बहुत कम पेन आते थे, बॉल पेन, नीब वाले पेन, नीब वाले पेन। और उनकी जिप वो भी खराब हो जाती थी, है ना, तो उसके वो मिल जाते थे, वो 1-2 रुपए के सारे। हाँ, तो हमारे टाइम पे जो है इस तरह का होता था। और अब देखो बच्चों के लिए कितनी सुविधा होगी है, ये इस तरह के सारे ब्लू कलर के। और ये पेंसिल है, ये वाली पेंसिल है क्या? पेन है वो, ये भी पेन है देखो। और अभी ये बच्चे अगर इसे देखेंगे ना, तो ये 1-2 दिन में ही सब खत्म हो जाने। तो फिर मैं और संगीता अभी बैठ के याद, अभी जब ये पैकिंग सारी खोल रहे थे, तो याद कर रहे थे कि दीदी आपके ज़माने में कैसा होता था और मेरे ज़माने में ऐसा होता। तो हमारी एज में ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, मतलब संगीता मुझसे 3 या 4 साल छोटी है बस। तो फिर हम याद कर रहे थे, कई बार हम आपस में घर में भी बोलते हैं हमारे टाइम पर ये होता था वो होता था। अब माहौल जो है काफ़ी बदल गया है, जो कि अब लगाएगी संगीता। संगीता यहाँ पे मैं करूँगी, और जो फुटवेयर आ रखे हैं ये सारे फुटवेयर का काम संगीता राणा करेगी। मैं नहीं करता। अभी हमने यहाँ पे जो ये हमारे ये सब हम हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लगाएंगे बच्चों का जो होता है स्टेशनरी का सामान जो है, वो हम लगा देंगे यहाँ पे। और संगीता करेगी, फुटवेयर संभालेगी। और अभी तो बैठ गई है ये मज़े से, अभी इसने मना कर दिया। तो मैंने ना ज़बरदस्ती करके बड़ी मुश्किल से संगीता को लगा दिया काम पे। अभी बड़ी मुश्किल से उठी है ये, बड़ी मुश्किल से नहीं उठी, मैं बहुत काम करूँगी। अभी सुबह 10 बजे से आ रखे हम, और अभी हमारा काम शुरू हुआ है 12 बजे पे। और बाहर जो इसकी फ्रेंड लोग आ रही है ना, उनसे बातें करने जा रही है बार बार बाहर में, और उनसे बातें करके अभी आई है अंदर, कह दीदी मेरा मन नहीं है। अब जाके इसने ही निकाले, अब करेगी ये उनको बहुत तेज़ी से कर देगी। और मैं यहाँ पे लगाऊंगी जो भी है ये स्टेशनरी का, जो भी सामान आ रखा है मैं सब यहाँ पे सेट कर दूँगी। यहाँ पे मैं मेरी ड्यूटी लगी हुई है, ये सब मैंने करना है, और संगीता इसको करेगी। अभी तो कुछ पता नहीं, होता भी है कि नहीं होता। तो फिर लगते हैं हम अपने काम पर।
और मैंने लगा दिया यहाँ पे सारा सामान जो भी है, ये स्टेशनरी का पेन पून जो भी होता है ये मैंने सब कर दिया यहाँ पे, ये सारे लगा दिए मैंने। और संगीता का काम ये है यहाँ पे अभी पड़ा हुआ, ये देखो ये भी पूरा, ये भी इसने नहीं समेटा, ये भी पड़ा हुआ है सारा ऐसी। और मैंने लगा दिया अपना जो भी मेरे सामान लगाना था वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिया, मेरा काम हो गया फाइनल। और संगीता चली गई है शटर डाल के, कैसे डालती है शटर मरी चाल में। ये दूसरा शटर है और ये और एक शटर ये भी पड़ेगा। ये देखो इसे घर में दुकान में जब थी ये तो इसका जी नहीं हो रहा था काम करने का, जैसे ही घर आई ना मैंने तो खाना पीना खा लिया, अब मैं आराम करने जा रही। अरे ये खेत अब नहीं हो रही तेरे को थकान? मैं सरिता के लिए अच्छा वहाँ ना बोले कोई से काम करने के लिए, सामान लगाने के लिए जो हमारा शॉप का सामान आता है उसमें से नींद आ जाती है और कस्टमर के साथ गप्पी मारने गप्पे कस्टमर के लिए ही है भाई। और इनको भी ना घर आके तुम्हारी मम्मी ने घर आके लगाया होगा ना काम पे, है ना? देखो संगीता ने इनको भी लगा रखा काम पे, दिखा संस्कृति जी। देखो इसके ताऊ दे रहे से आवाज है कैसे छुपकी, देखो। और ये संगीता, संगीता तूने इन्हें आके लगाया ना यहाँ काम पे दुकान से? संसु इधर नहीं है, वो है संसु, वो छुप रखी और वो आएगी भी नहीं जब तक फोन खुला हुआ मेरा। टेपी बैठे तुम्हारे पास? और ये तोड़ रहे हैं, तुम अभी बैठे हुए थे अंदर टीवी देखने के लिए ना, है ना? मम्मी ने क्या परेशान? ये दुकान में मेरे को करती है परेशान, इसने लगाया ना तुम्हें मिर्ची तोड़ने पे। ये देखो ये दोनों लगा रखे, दोनों बेटे को इसने मिर्ची तोड़ने में लगा रखा। और इसको पकी पकाई रोटियाँ भी मिल जाती है इनसे। ये है इसकी मिर्ची, देख लो ये सब मिर्ची, ये वाली तोड़ी ना इन बच्चों ने अभी, देखा इस सब इसकी मिर्ची और की, ये थोड़ा सूख गई, ये थोड़ा हल्की सूखी हुई है, ये आज की ताजी है। और देखो इस मैंने शॉप से आने के बाद निकाल दिया अपनी किचन गार्डन से सब्जी शाम के लिए, और ये निकाला है धनिया, और इसमें ये है कसूरी मेथी, और राई संगीता ने वहाँ पे निकाल के रखी है, और ये कसूरी मेथी और मैंने रखी हुई है अंदर, इतनी प्यारी होती है हरी, और ये है राई, सब निकाल के लाई हूँ किचन गार्डन से। तो दोपहर की बज रही है अभी 2:30 और हम दोनों आ गए हैं अपने घर में। घर में आने के बाद में हमने जो भी होता है थोड़ा बहुत अपने किचन गार्डन का जो भी काम होता है वो निकाला करा, और हमने थोड़ा हर शाम के लिए हरी सब्जी पालक मेथी राई जो भी होती है वो निकाल लिए। और अब इसके बाद में मैंने तो खाना पीना खा लिया है, संगीता खाएगी अब, अभी वो अभी किचन गार्डन में ही है, लेकिन मैं जा रही हूँ आराम करने। तो फिर आज हमारे शॉप का जो भी सामान आया था सारा लग गया है, और अब मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।